हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और वेलकम करते हैं आपको अपने न्यू व्लॉग में। यहाँ मैं बच्चों की जो है लंच पैक कर रही थी, नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह हो गई है तो उनके स्कूल का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कोई 6:20 का टाइम है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों का मेरे स्कूल 7:30 स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अभी बच्चे नहीं उठे, मैं उठ गई थी। मेरी यही रूटीन होती है कि सबसे पहले उठ के तो बच्चों का लंच पैक कर दूं और साथ जो है ब्रेकफास्ट रेडी कर लूं, उसके बाद मैं उन्हें उठाती हूं। तो यहां पर अल्लाह का शुक्र सारा कुछ हो गया था। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कुछ तबीयत की वजह से मैंने अपलोड नहीं किया। तो ये है मेरा आज का व्लॉग, वेलकम करते हैं आपको अपने न्यू व्लॉग में। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ मैं छोड़ के बच्चों को आ गई थी और अपना मॉर्निंग वाटर पी रही थी। उसके अंदर जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो, और दो कैप में ये डाले हैं एप्पल साइडर विनेगर के, और 2 टेबलस्पून मैंने चिया सीड्स लिए है। और ये पानी गर्म करके डेली मैंने पीना होता है। एक दिन ये पीती हूँ, एक दिन स्किप करती हूँ, तो जिस दिन स्किप करती हूँ उस दिन ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो वैसे तो डाइटिंग नहीं करती, लेकिन ये गर्म पानी मैं लाजमी पीती हूँ। इसके बाद सो जाती हूँ मैं। सो के उठ के फिर अपना नाश्ता करते हैं अशद के साथ, फिर डेली की रूटीन शुरू हो जाती है। हाँ, पर मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी। वो दोपहर के लिए लंच लेकर जाते हैं फ्रूट्स, तो नाश्ता वो करते नहीं हैं, चाय वगैरह पीते नहीं हैं, तो ऑफिस जाकर ये वो फ्रूट खा लेते हैं और दोपहर में जो भी हल्का फुल्का होता है वो लंच ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये पैक करके रख रही थी सारा कुछ, तो यही हमारी रूटीन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। और नेक्स्ट डे हो चुका है, जैसा कि आपने देखा मैं सुबह बच्चों को छोड़कर आ चुकी हूँ स्कूल से। फिर आकर मैं सो गई थी क्योंकि उसके बाद तो बहुत नींद आ रही होती, समझ ही नहीं कुछ आ रहा होता कि क्या करें। तो उसके बाद अब मैं उठ गई हूँ और यहाँ अशद अभी तक सोया हुआ है। शो अशद, उठो बेटा। अशद जी, देखो अशद, अस्सलाम वालेकुम, उठो बेटा, मैं जा रही हूँ फिर भाई को लेने। इतनी इसकी गहरी नींद है ना इस वक्त कि ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर मैंने अपना खाना नाश्ता भी रेडी कर लिया है। चाय मैंने बनने के लिए रख दिया उधर, चिकन निकाल दिया, आज खाने में बनाएंगे पास्ता बच्चों के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी डेली की रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली की रूटीन और वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। कल मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि कल बस कुछ बिजी भी थी और व्लॉग भी नहीं बनाया था मैंने। तो वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। चलिए जी गाइस, यहाँ पे मेरा और अशद का नाश्ता हो गया रेडी, और ये वो पराठा अंडा है जो अहद और अहमद से बचा के गए। तो मैंने कहा चलो ये आज हम इंजॉय करते हैं। बाकी जो है ये लड़का नहीं उठा है, इसको वॉशरूम से फ्री करवा दिया फिर भी सो गया। अशद ये क्या है, ये क्या है, क्या दे रही हूँ मैं आपको, निप्पल दे रही हूँ कोई? ये लो उठ जाओ मेरा बेबी, अस्सलाम वालेकुम करके उठ जाओ बेटा। अच्छा ये लो, ये ले लो निप्पल, ये देखें ये निप्पल पीता है ना, तो ये देखो क्या चाहिए, खारिश। अच्छा चलो भाई को लेने जाना है, उठ जाओ। नहीं उठना, चलो आ जाओ उठ जाओ। चलें जी गाइस, इसको उठाते हैं, अपना नाश्ता फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं बच्चों को लेने। रूटीन 11 बज गए तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रूटीन। आ जाओ। चलें जी फ्रेंड्स, आ गए कमरे में काम वाम करने के लिए। नाश्ता हो गया, नाश्ते से हो गए फ्री। अब ये सारा कुछ समेटते हैं, उठाते हैं ये सारा गंद, उसके बाद अशद को नहलाएंगे क्योंकि बच्चों को लेने के लिए जाना है। तो चलें चलते हैं, साथ साथ काम भी होता रहेगा और आपसे बातें भी होती रहेंगी। चलिए गाइस, काम वगैरह करके हम फारिग हो गए। यहाँ पे सारा घर हमारा हो गया नीट, लाइट्स करते हैं ऑफ, एसी को करते हैं ऑन, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया, सिर्फ अशद को रेडी करना रह गया। और खाने में हमारा पास्ता, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है।
तो यहाँ पर मैंने चिकन को रख दिया था फ्राई करने के लिए और वहाँ पास्ता रख दिया था बॉईल करने के लिए। तो फटाफट से करते हैं अर्शद को तैयार और चलते हैं बच्चों को लेने। चलिए गाइस, यहाँ पर अर्शद भी हो गया रेडी और यहाँ ऑलमोस्ट मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम जाने लगे हैं बच्चों को लेने के लिए, तो चलो चलते हैं और वहाँ जाके दिखाते हैं आपको, वापस आके मिलते हैं। दिखाना क्या है, वहाँ पर इतनी गर्मी हो रही होती है, मेरा दिल करता है बस बच्चों को जल्दी से लूँ और वापस आ जाऊँ। तो चलिए चलते हैं और इंशाल्लाह आके मिलते हैं। चलिए गाइस, बच्चों को लेकर हम लोग आ गए स्कूल से, अब जाने लगे हैं ऊपर घर। बहुत गर्मी है इसलिए मैं ये लगा लेती हूँ मास्क, ताकि जो है ईजी रहे। चलो बेटा आ जाओ, कम बिस्मिल्लाह। अहमद कम बेबी फास्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ बेटा। चलिए जी गाइस, आ गए बच्चों को लेके, अब इनको फ्रेश करवाते हैं, उसके बाद खाना वगैरह देते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर तक मिलते हैं। ब्लॉग हमारा कंटिन्यू रहेगा तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए जी गाइस, पास्ता हमारा हो गया रेडी, इसको हम करते हैं डिश आउट। मज़ेदार सा ये आप देख सकते हैं, गर्मा गर्म पास्ता रेडी हो गया जी बेटा। यहाँ पर मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म की मशीन भी लगा ली है, मुझे था कि एक वॉश के कपड़े हैं तो ये भी वॉश कर दें। जाओ बेटा, मैं आपके लिए खाना ला रही हूँ। बच्चों को निकाल देते हैं पास्ता, तो उसके बाद अपने व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए गाइस, ये देख सकते हैं आप, पास्ता हमारा चीज़ी हो गया रेडी। इसके अंदर मैंने ऐड की है चीज़ थोड़ी सी, तो ये देख सकते हैं आप, पास्ता हमारा हो गया रेडी। स्टू यमी, देते हैं बच्चों को और उनका रिव्यू लेते हैं। खाओ, अच्छा है। सो यमी। तो यह है, यहाँ पर मैंने इन लोगों के लिए टैंग भी बना दिया जी। चलो खाओ, खा के तो फिर इनका सिपारे का टाइम है, सिपारा पड़ेंगे। बॉटल एक्सचेंज हो गई है। अच्छा, आपको दूं पास्ता खाना है? नहीं, चलो अच्छा आप टीवी ऑन कर लो। अर्शद ने अपना ही लगाया हुआ है, कभी कुछ निकालता। ये नहीं खाना, खाना है नो, ये नहीं चाहिए। पुट इट बैक अर्शद, पुट इट बैक। पिटाई लगाऊं, मारूं, पिटाई लगाऊं पम। चलिए जी गाइस, बच्चे खाना वगैरह खाते हैं और हम फिर उसके बाद बच्चों को सिपारा पढ़ाएंगे। चलिए जी गाइस, यहाँ पर हो गए फ्रेश, नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हो गए, बच्चों ने अपना खाना वगैरह खा लिया, अब पढ़ने लगे हैं वो सिपारा और मैं देने लगी हूँ अर्शद को उसका खाना। उसके खाने का टाइम हो गया, तो चले चलते हैं उसका खाना देते हैं और फिर मैं अपना पास्ता गर्म करके खाऊंगी। और मुझे आज क्रेविंग हो रही है कैरेमल लाटे की, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए वो भी बनाऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी पी है वो एक तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, थोड़ी होती है, और एक्सपेंसिव बहुत होती है, ऑलमोस्ट 16-18 रियाल की होती है। तो मेरे दिल को कुछ होता है इतना महंगा और खाली और इतना थोड़ा सा होता है, उसके अंदर आइस ज़्यादा होती है। तो मैं उसका सारा सामान घर ले आई हूँ, तो मैं वो खुद ही बनाऊँगी अब। तो जब कभी दिल करे बंदा जल्दी से फटाफट से बना ले, एक दफ़ा सारी चीज़ें ख़रीद लो तो फिर आपको ईजी रहता है बनाना। तो पहले अर्शद को खिलाएंगे खाना, उसके बाद अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो चलें चलते हैं, अर्शद को खिलाते हैं खाना। चलें जी गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए और कॉफ़ी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ऑलमोस्ट एक स्पून कॉफ़ी ऐड की है। उसके बाद हमने ये कैरेमल सिरप ऐड करना है थोड़ा सा। ये ऐड करने के बाद इसमें हमने मिल्क ऐड करना है बस। और यहाँ पर मैंने मिल्क को पहले से फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरे पास आइस नहीं है इस वक्त। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको हमने करना है जस्ट ग्राइंड और ये हो जाएगा रेडी। यहाँ मैंने अपने ग्लास को कर लिया रेडी कैरेमल सॉस से और अब मैं इसमें ग्राइंड करके कॉफ़ी डालूँगी।
ये होगी हमारी तैयार कैरेमल लाटे। चलिए गाइज, यहाँ मेरी कैरेमल लाटे हो गई है रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक, यमी। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी ठंडा करने के लिए रखूँगी, उसके बाद पीऊँगी। आप लोग भी बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा अपने घर पर। ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद। चलिए जी गाइज, ये मैं करने लगी हूँ अपना कैरेमल लाटे इन्जॉय, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं कल इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। मुझे आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।